उत्तर प्रदेश का काम भी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ अभी कोरोना संक्रमण होकर हमको डेढ़ सौ आने में पहले इसके लिए हमको क्षमा करेंगे। और दूसरी बात, यह मेडिकल कॉलेज किसी यूनियन मंडल यूनिवर्सिटी के लिए खरीदे गए जमीन में विद्यालय के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पसंद किया गया था और तब से मैं जमीन का हस्तगत किया था और मैंने प्रयास किया इस मॉड्यूल को यहाँ खड़ा करूँ और ये भी अब दो महीने के बाद तो परमिट होना है और जो खड़ा किया है वो अपने सामने है लेकिन उसका फल हम नहीं दे पा रहे हैं। जब उसका उद्घाटन हुआ तो लॉकडाउन शुरू हो गया है, ये लॉकडाउन जो है आपको भली भांति सब आदमी तो अनुपालन कर ही रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के बाद के इफेक्ट पर भी आप लोग जरूर सोचेंगे और ये जो इसके कारण हम लोग लॉकडाउन हुए हैं वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक जनसंख्या का घनत्व न्यायालय है। पूरे विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है वहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा और कई संप्रदाय कई जातियों कई परंपराओं को बटा समझ जो भाई साफर साहब समझ बहुत बात हमको कहना था। उन्होंने अपने संस्कारी गुरुओं का जो मधेपुरा में ला करके और भाई साहब के सहयोग के उनके नेतृत्व में वो इसका बंटवारा किए और इसको जुटाए हम यह देख के गदगद हैं। कहना तो हम लोग को बहुत बहुत किया लेकिन वहाँ इतना काम है कि हमको जाना पड़ेगा कि हमको माफ कीजिएगा लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनके राय और फारूक साहब के द्वारा जो भी सांस्कृतिक पारिवारिक वैयक्तिक और हृदय से ओतप्रोत शैक्षणिक वातावरण से ओतप्रोत जो मार्गदर्शन इन्होंने यहाँ बांटा है उसका आप लोग कोशिश कीजिएगा अनुपालन करने का और नीचे वाले जनरेशन को बांटने का तभी आप हम सुखद स्थिति में रह सकते हैं क्योंकि उसका बहुत ख़राब होते जा रहा है। आज जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आ रहे हैं या जिनको हम लोगों ने पढ़ाया लगभग पिछले 40 साल से भी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई रहा जो नए डॉक्टर आए हैं उनके अंदर 90% आदमी को दिल नहीं है वो व्यापारी बन बैठे हैं जिससे हम लोग का जो ये फैकल्टी है या जो हमारा पेशा है वो घृणित हो चुका है और इसकी घृणा का प्रस्फुटन समय समय पर होता ही रहता होगा आप लोग देखते ही रहते होंगे और आप लोगों को भी झेलना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक लाइन से मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और संयोग से रास्ता भी हम लोग का एक ही है और जन्म भी एक ही बुनियाद पर हुआ तो भाई तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा लेकिन मैं इसी धरती का पुत्र हूँ इसी जगह मैं जन्म लिया था इसी ग्राउंड में खेलते हुए इस मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज इस यूनिवर्सिटी का इसका प्रभाव हुआ है फिर तो मन गदगद हो गया और अंतिम समय में भगवान ने राय साहब को और फारूक साहब को सांस्कृतिक प्रवाह को लौटाने का एक प्रतीक बना करके यहाँ भेजा था जो बहुत अच्छा लगा और हम तो कोशिश करेंगे वैसे मेरा डी वाई पाटिल में पूना मेडिकल कॉलेज में हो गया है प्रिंसिपल में कई जगह हुआ है सरकार की नौकरी में नहीं जाऊँगा सरकार अभी स्थिति में नहीं है या सरकार चलाने वाले जो लोग हैं किसी समूह में से जैसे लोग सरकार चलाने वाले न है मेरा यह कहना है सरकार चलाने वाले आज निश्चित रूप से समाज को दिशा दें पॉपुलेशन के घनत्व घटाने की कोई बात नहीं कर रहा है मास्क लगाने से कोविड क्या बचेगा हर आदमी के शरीर में जो हमारा सांस्कृतिक इम्यूनिटी है सेल्फ इम्यूनिटी वही बचाव कर रहा है। कई लोगों वक्ताओं ने बोला है मैं भी अगर उस पर बोलने लगूँ तो हमको भी शाम हो जाएगा काम बहुत है इसलिए माफी मांगते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि जब तक हम भी जिंदा है आप लोगों के बीच हैं मेरी सेवा की आवश्यकता न हो लेकिन आज व्यक्ति
डॉक्टर अशोक कुमार यादव की जब भी आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करेंगे, मैं समझूंगा यही मेरा फैक्ट है, क्योंकि राय साहब ने अभी हमको सिखाया और फारूक साहब यह अभी सिखाया है, जहाँ तक और मेरा इंटरेक्शन अभी नहीं है तो होगा दो महीना इन चीज के हो गई सर, वहाँ तो वहाँ से रिटायर करना है तो जाने भी नहीं दे रहा है, जाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो उसके कैसे लॉकडाउन खत्म हो गया अस्पताल शुरू करा दे। और आप लोग को बता दूँ मैं, ये मॉडर्न मेडिकल कॉलेज का प्रारूप मैंने तैयार किया था, अनिल लिया इसका सीख कटाया, उसका यूपीआर यूपीआर संसद पैसे का संसद बलों का संसद सारे काम मैंने किया है। और अब हमको इतना समय हो रहा है, इसमें हमको जाना है, क्या करें, आप लोग से माफी मांगते हैं, कोई गलती हुई हो बगल में कैंपस है और कोशिश करेंगे हम इस आदमी की वाटिका के उद्घाटन के क्रम में हमको यह खबर मिली, विदाई समारोह भी आज ही है सर, हमको खबर नहीं था, ये तो हम भी पहले से फिक्र नहीं था, चिंतित नहीं तो हम आते सर, उस आदमी का जो प्रदता है महावीर बाबू के बारे में हम क्या कहेंगे सर, लेकिन हमको याद है बचपन में जब उनके पढ़ने जाते थे या मिलने जाते थे संबंधी भी थे, उनका जो एक एक बात होता था आज वो अमूर्त रूप में मधेपुरा में दिख रहा है, आज दिख रहा है वो रंग बनी बन के आए थे, जिससे अभी काम की चर्चा हुई, नाना जी तो कॉलेज खोल दिए, बाबू जी कॉलेज खोल दिए, क्योंकि बाबू हमारे चाचा जी कॉलेज खोल दिए, लेकिन चलाए महावीर बाबू और इनको उस समय में कैसे संचालन, जैसे सर आप कैसे जानते हैं उतना ही अनुभव था, तो आप लोग सर माफी मांगते हैं भाई, हम इस तरफ से आप लोगों के कार्यक्रम में हमको माफ करेंगे नहीं भी रहिए सर, अपने नहीं अपने सांस्कृतिक और धरोहर है परिवारिक तो बांटते रहना है सर, बचा के नहीं रखना, बांट देना हमारे मजबूरी की बांटते रहे हैं सर, आप पढ़े हैं सॉरी भाई अशोक बाबू फिर कहें आप बाप रहते हैं